नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बुधवार को लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पास हुए। अब राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए उन्हें भेजा गया है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 पर चर्चा हुई, जिसके बाद उसे मंजूरी दे दी गई। नए कानून में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देशद्रोह और मॉब लिंचिंग से संबंधित नए बिल पेश किए गए हैं। लोकसभा में चर्चा के जवाब में गृह मंत्री शाह ने कहा कि सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थी, अब इनमें 531 धाराएं होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन बिलों के पेश करने का उद्देश्य जो है कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है। आपको बता दें कि कई बदलाव इन बिलों में किए गए। पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब जहां अपराधों की बात शुरू होती है उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा जाएगा, गैंगरेप को भी आगे रखा जाएगा, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे ले जाया जाएगा। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान बना दिया गया है। गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल का प्रावधान बनाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने जा रही है। गृह मंत्री ने सदन में कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और इस कानून में इस अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने भी सालों देश में शासन किया, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए। शाह के मुताबिक आजादी के बाद पहली बार अपराध न्याय प्रणाली से जुड़े तीनों कानूनों का मानवीकरण होगा और नए कानून में किसी भी आरोपी को याचिका दायर करने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय मिलेगा। इतना ही नहीं, जज को इन 7 दिनों में हियरिंग करनी होगी। मामले का ट्रायल स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम समय 120 दिन का रहेगा। बता दें कि इसके पहले प्ली बार्गेनिंग जैसा कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अब अपराध के 30 दिन के अंदर अगर कोई अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो सजा कम हो सकती है। उस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स। नमस्कार।